Hello students, today we will discuss a long question and some short questions of the chapter Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. बहुत important chapter है और थोड़ा सा बड़ा होने के कारण confusing भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसकी summary भी करेंगे और इसका जो important long question है वो भी और कुछ short answer type question भी करेंगे जो कि important है. इस चैप्टर में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, मतलब दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं. थर्ड जो है एक स्टोरी आई हुई है, थर्ड जो है ए बॉय फ्रॉम उडीपी, ये स्टोरी है. इस चैप्टर में क्या है, राइटर जो है अपने अनुभव के बारे में बताता है. एक बार वो साहिब से मिला है, राइटर जो है एक बार मुकेश से मिलता है, मतलब कई बार मिलता है, लेकिन एक बार जो फर्स्ट चैप्टर है वो साहिब से रिलेटेड है, सेकेंड चैप्टर है वो मुकेश से रिलेटेड है. टू पार्ट्स में है ये चैप्टर, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. और इसी में एक स्टोरी भी आती है, ए बॉय फ्रॉम ओडीपी की स्टोरी आता है. इसमें क्या है, एक आदमी जो है राइटर को बताता है कि भाई जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था तो मंदिर के सामने से जब भी गुजरता था तो मंदिर में हमेशा मैं जो है अपने लिए चप्पल की दुआ मांगता था कि मुझे जूते मिल जाए या चप्पल मिल जाए. और इस चैप्टर में साहिब भी जो है नंगे पैर घूमता है, मतलब ये दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं गरीबी से रिलेटेड हैं, दोनों के दोनों गरीब हैं. साहिब का जिक्र कहाँ आता है, सीमापुरी से. सीमापुरी एक इलाका है जो दिल्ली के बाहर है, मतलब दिल्ली के पेरिफेरी पे सीमापुरी जो है जहां पर बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, मतलब टेंट टेम्परेरी से टेंट वगैरह, टर्पलिन की उनकी छत होती है. ऐसा इलाका है जिसमें लगभग 10,000 से भी ऊपर जो है परिवार रहते हैं. और ये सारे के सारे जो सीमापुरी के कहाँ से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं. ये सारे कहाँ के हैं, बांग्लादेश के. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, साहिब का संबंध कहाँ से है, बांग्लादेश से है. जबकि जो सेकंड पार्ट है जो मुकेश से डील करता है इस चैप्टर का, वो कहाँ के हैं, ये फिरोजाबाद के हैं. और फिरोजाबाद कहाँ पर है, यूपी में है. अब आपको चैप्टर कंप्लीट समरी पता होना चाहिए कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, साहिब का जिक्र सीमापुरी से, एस और एस. सीमापुरी जो कि दिल्ली के नजदीक है, दिल्ली के अंदर ही है ये. मुकेश का जो संबंध है वो फिरोजाबाद से है जो कि यूपी में है. फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, बैंगल इंडस्ट्री के लिए, यानी कि यहाँ पर चूड़ियां बनती है, कांच की इंडस्ट्रीज है, बैंगल इंडस्ट्री है फिरोजाबाद में. तो मुकेश का संबंध फिरोजाबाद से है जो कि बेंगल इंडस्ट्री में काम करता है. दोनों के दोनों कैरेक्टर्स गरीब हैं. साहिब का संबंध सीमापुरी से है जो कि बांग्लादेश से प्रवासी मजदूर आके सीमापुरी में बसे हुए हैं. दिल्ली के नजदीक है ये सीमापुरी. इनकी रोजी रोटी क्या है, कूड़ा करकट इकट्ठा करना. जैसे ये इकट्ठे करते ना, पॉलिथीन उठा लिए, पेपर्स उठा लिए, कागज उठा लिए, इनको अलग अलग करके, मतलब ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं. कौन, साहिब. और जो मुकेश है वो किस में काम करता है, बेंगल इंडस्ट्री में काम करता है. तो ये दो स्टोरी है. और ए बॉय फ्रॉम ओडीपी ये पूछा जा सकता है, इसमें राइटर जो है एक बार जूतों का जिक्र करते हुए इस स्टोरी को लेके आते हैं कि भाई एक आदमी मिला था मुझे जो कहता था जब मैं छोटा था तो उसके पिताजी पुजारी थे और मंदिर में वो सिर्फ प्रार्थना यही करता था कि मुझे एक पैर जो है जूते मिल जाए. तो ये हमारा मेन मेन सा चैप्टर का हाईलाइट था. क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री. हजार्ड्स होता है खतरे, मतलब क्या क्या खतरे हैं जब हम ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब जो शीशे से रिलेटेड काम है, जो शीशे का काम होता है, ग्लास का काम होता है, ग्लास इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें क्या खतरे होते हैं सेहत से रिलेटेड. आंसर इज वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इज हजार्डस टू हेल्थ. जब हम ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करते तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है. अडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन वर्क इन द अनहेल्दी कंडीशंस. बड़े आदमी हो या बच्चे हो, दोनों के दोनों अनहेल्दी कंडीशंस में, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, ऐसी कंडीशंस में इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. दे वर्क इन वेरी डिम लाइट. वो बहुत ज्यादा डिम लाइट में काम करते हैं, मतलब रोशनी नहीं होती उनके कमरों के अंदर जब वो काम करते हैं. एज ए रिजल्ट जिसके कारण दे लूज देयर आई साइट बाय द टाइम दे बिकम अडल्ट. जब तक बच्चे बड़े होते हैं, युवा होते हैं, उनकी आंखें जो है खराब हो जाती हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है या आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है. कहाँ पर, ग्लास इंडस्ट्रीज में काम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आया हुआ है कि भाई क्या नुकसान है ग्लास इंडस्ट्री में काम करने के. They have to work on the furnaces with high temperature. Furnace होता है भट्टी, जो आग की भट्टी होती है उनको कहते हैं. तो
उनको जो है टेम्परेचर जिसमें बहुत ज्यादा वाइज होती है, मतलब बहुत गर्मी होती है भट्टियों के नजदीक, वहां पर उन्हें काम करना पड़ता है इन डार्क सेल्स, अंधेरे कोठरियों में, अंधेरे अंधेरे कमरों में, विदाउट इनफ एयर एंड लाइट, जहां पर ना तो हवा आती है प्रॉपर ना लाइट होती है। मतलब अंधेरे में जब हम काम करते हैं तो आंखों की रोशनी पे असर पड़ता है, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि अंधेरे में मोबाइल या टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए। दे हैव टू ग्रिंड ग्लास एंड हैव टू इनहेल द फाइन, उनको जो ग्लास ग्राइंड करना पड़ता है, वो जब हम ग्लास का चूरा बनाएंगे, अब पता है जब चूरा बनता है तो उसमें से कण जो है, पार्टिकल्स जो है उड़ते भी हैं, मतलब आसपास धूल फैल जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो डस्ट इधर उधर हो जाती है, ऐसे ही जब ग्लास को ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, एंड हैव टू इनहेल द फाइन ग्लास पार्टिकल्स, जब इनको पीसा जाता है ग्लास को, तो इसका चूरा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ग्लास के, वो कमरे में फैल जाते हैं, और जो वहां काम करते हैं उनको इनहेल मतलब सांस के अंदर वो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं शीशे के, जैसे हम डस्टिंग करते हैं धूल उड़ते हैं, उसी प्रकार जब शीशे को पीसा जाता है तो वो पार्टिकल्स जो है सांस के साथ अंदर चले जाते हैं। और सबको पता होना चाहिए शीशा बहुत ज्यादा जहरीला होता है, अगर हम शीशे का पाउडर खा भी ले तो मर जाएंगे, और ऐसे जब इनहेल करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। द ऑथर कम्स अक्रॉस ए चाइल्ड, और लेखक एक ऐसे बच्चे से मिलता है नेम्ड मुकेश, जिसका नाम मुकेश है, हु वर्क्स इन ए ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी कि चूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम करता है। हिज ग्रैंडफादर बिकेम ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास, उसके दादाजी अंधे हो गए थे किस कारण से, जो डस्ट जो धूल थी फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास, जब वो ग्लास पॉलिशिंग का काम करते थे तो जिससे धूल निकलती थी वो आंखों, उसके कारण उसके दादाजी की आंखें जो है वो चली गई थी, वो अंधे हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट भी है और जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है, भाई शीशा जहां पिसता हो मतलब धूल वगैरह से हमें उसके दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर में आता है ये क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये चूड़ियों के लिए जाना जाता है। मैनी फैमिलीज इन दिस टाउन आर इंगेज्ड इन दिस बिजनेस, यहाँ पर ज्यादातर जितने भी घर हैं सब में इससे रिलेटेड कोई ना कोई काम चलता ही रहता है, कोई जो चूड़ियों को जोड़ने का काम करता है, कोई उनको जो है कलर करने का, कोई उनकी पैकिंग करने का काम करता है, तो फिरोजाबाद में चूड़ियां जो है ज्यादा बनती है। ग्लास इंडस्ट्रीज है वहां पे, बैंगल इंडस्ट्री है कहाँ पर, फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद कहाँ पर है, यूपी में है, और फिरोजाबाद से संबंध किसका था, मुकेश का, ये पूछा जा सकता है। मुकेश का संबंध फिरोजाबाद से है और साहिब का संबंध सीमापुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आयरोनिकल अबाउट साहिब फुल नेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साहिब कहाँ से है, साहिब सीमापुरी से है, जो कि कहाँ से आके रह रहे हैं, वहां पर बांग्लादेश से आके रह रहे हैं। साहिब का जो नाम है पूरा वो क्या है, और उसके पूरे नाम में क्या विडिम्बना है, आयरोनिकल होता है विडिम्बना, मतलब दिखे कुछ और उसके अंदर की सच्चाई कुछ और हो, मतलब दिखे हंसी और हो उसमें दुख, इस तरह से इसको आयरोनिकल कह सकते हैं, विडिम्बना। आंसर इज हिज फुल नेम इज साहिब ए आलम, साहिब का पूरा नाम क्या है, साहिब ए आलम, विच मीन्स जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड का मतलब भगवान या स्वामी, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है इसी के अकॉर्डिंग चलता है, किसके, साहिब के, इसके नाम के अकॉर्डिंग। दिस नेम इज क्वाइट आयरोनिकल, यही विडंबना है। ही इज ए पुअर बॉय, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब लड़का है, हु अर्न्स हिज लिविंग बाय स्क्राउजिंग द डंप्स ऑफ गार्बेज फॉर बिट्स ऑफ पेपर एंड रैग्स, जो अपनी जीविका कैसे कमाता है, जो कूड़ा करकट होता है उसमें हाथ मार के, और उसमें से जो है कभी पेपर निकाल के, कभी कूड़ा करकट निकाल के, जैसे पॉलिथीन वगैरह इकट्ठे करते हैं, कोई कभी लोहे का सामान मिल जाए, कभी कुछ और मिल जाए, तो उनको अलग अलग करके ये बेच के अपने आजीविका कमाते हैं। हिज लाइफ इज फुल ऑफ पुअर्टी एंड मिजरी, इसका जो जीवन है वो गरीबी से और गरीबी से बहुत ज्यादा पीड़ित है, मिजरी होता है दुख दर्दों से। तो देखो नाम है साहेब आलम यानी कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, भगवान का स्वामी, लेकिन है ये बहुत ज्यादा गरीब, तो यही इसके नाम में क्या है, आयरनी है, आयरनिकल। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को अगर पहले भी देख चुके हो या पहली बार देख रहे हो और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।